सो गाइज यार, माइनक्राफ्ट के आज के मॉब बैटल में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं स्पॉन करवाने वाला हूँ एक बहुत ही ख़तरनाक मॉब और उसे लड़वाने वाला हूँ दूसरे मॉब्स के साथ। तो देखते हैं कितनी देर तक टिक सकता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को लाजमन प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है भाई, लाइक कर देना, कमेंट आपका जो दिल करे वो करना। तो गाइज यार, हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ हो चुका है स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले तो स्पॉन करवाने वाला हूँ अपने पुराने द लेजेंडरी म्यूटेंट ज़ॉम्बी को। ओ भाई, इसका साइज़ देख रहे हो, अनबिलीवेबल सी इसकी ताकत और इसका साइज़ है। और यहाँ मैं इसे सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में सिलेक्ट करने में मज़ा नहीं आता इसकी फ़ाइट करवाने में। तो यहाँ मैं स्पॉन करवाने वाला हूँ द लेजेंडरी फेरिस को। भाई ये बंदा बहुत ख़तरनाक है, देख सकते हो अभी तक ये हिल भी नहीं रहा, इसका मतलब ये सो रहा है भाई। इस किस्म का एटीट्यूड है इसके अंदर, वो देखो वो भागता हुआ आ रहा मारने के लिए, मैंने सिलेक्ट कर दिया बट ये जाग नहीं रहा कि अभी वो आएगा मारेगा फिर ये जागेगा कि किसी ने इसे छेड़ा। अबे भाई इसने अटैक किया, इसने अटैक किया, अभी हिला है। ओ भाई जाग गया, उसकी आंखें देख रहे हो रेड। ओ भाई ये भी बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह मार रहा है, बिल्कुल उछल उछल के मार रहा है, लेकिन ये इसके हाथ में हथियार है और लिटरली ज़ॉम्बी इसे एक खरोच तक नहीं दे पा रहा। ऊपर इसकी एचपी देख रहे हो, वो हिल भी नहीं रही, फिर इसकी एचपी हिल भी नहीं रही। ओ ये क्या था, ये ज़ॉम्बी का अटैक था कि ये फेरिस का अटैक का था? लेकिन लगता है ये फेरिस का अटैक है, क्योंकि ज़ॉम्बी ऐसा अटैक नहीं। भाई खुसा दी पूरी ये अपना हथियार इसने, भाई लिटरली बहुत खतरनाक है, पूरी ताकत से ज़ॉम्बी अटैक कर रहा है बट इसकी एचपी हिल भी नहीं रही है। भाई नेक्स्ट लेवल है ये वाला मॉब नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि अब तक कोई भी ज़ॉम्बी के सामने टिक नहीं पाया। ज़ॉम्बी तकरीबन हर किसी को अटैक दे के डैमेज कर देता है, बट इसकी एचपी ऊपर एक बार डाउन हो गया भाई, एक बार ज़ॉम्बी डाउन हो गया और वो जा रहा है, वो समझ रहा है मर गया है। भाई ऐसा नहीं है, अभी ज़ॉम्बी को तुम हल्के में ले रहे हो। वो यार ये इसका जो ये हथियार है बहुत ख़तरनाक डैमेज दे रहा है, लिटरली बहुत ख़तरनाक डैमेज दे रहा है। और ये इस तरह का बंदा बना हुआ है कि इसे खरोच तक नहीं आ रही इसके अटैक से, और ये अटैक बिल्कुल डिफेंस अटैक भी करता है। ओ दूसरी बार डाउन कर दिया भाई, अगर दो बार डाउन हो गया, अब तीसरी बार डाउन होने के बाद अगर चौथी बार डाउन हुआ तो वो मर जाएगा, ज़ॉम्बी मरने वाला है। लेकिन उसकी एचपी अभी तक फेरिस की हिल भी नहीं रही और ज़ॉम्बी यहाँ मरने वाला है, तो लगता है कोई भी जोड़ नहीं है इसका फेरिस के साथ। भाई बहुत ख़तरनाक है फेरिस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब। ओ भाई तीसरी बार डाउन, ओ मैं देख सकता हूँ कि इसकी पीठ के अंदर एक डायमंड की सॉर्ड है भाई। व्हाट ये क्या, मुझे लग रहा है भाई मरने वाला है, ये मरने वाला है और ये ख़त्म। मैं क्या ख़त्म, मुझे लगा था ये मरने वाला है। तो गाइस यार हमारा विनर है फेरिस भाई, बिल्कुल एक रोच भी नहीं दे पाया। यहाँ मैंने स्पॉन करवा दिया उसके लेवल का एक फ्रॉस्ट मॉब, भाई इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉस्ट मॉब बहुत। ओ भाई साहब ऐसे था जैसे ज़मीन फट जाएगी, इस किस्म की आवाज़ और इस किस्म के इसके जो झटके थे भाई। इसके साथ मैंने फाइट तो स्टार्ट करवा दी, फ्रॉस्ट मॉब तो आ रहा है बट ये बंदा किस। ओ भाई इसकी जो एनिमेशन है ना वो नेक्स्ट लेवल है, जिस तरह ये जागता है वो ऐसा लगता है जैसे कोई कार्टून एनिमेशन नहीं होती उस तरह। ओ भाई ये भी फ्रॉस्ट मॉब के ऊपर एचपी तो दे, ओ लिटरली फ्रॉस्ट मॉब की एचपी देखो ऊपर, इसे अटैक लगातार कर रहा है फ्रॉस्टमो लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा उसे, और ये एक अटैक कर रहा है और फ्रॉस्टमो की एचपी तकरीबन 20-25% लेके जा रहा है। भाई नेक्स्ट लेवल है ये पता नहीं किस किस्म का गार्डियन है, मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ को गार्ड करता है ये, जो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कार्टून एनिमेशन देख रहा हूँ, क्योंकि ये जिस तरह का अटैक कर रहा है, जिस तरह की वो ये भाई ये जो ऊपर से घुमा के मारता है ना ये वाला, इसका अटैक बहुत नेक्स्ट लेवल का है और ये तकरीबन पूरी की पूरी एचपी ले जाता है। अभी अगर इसने घुमा के मारा ना ऊपर से तो तकरीबन ये सारी एचपी जा सकती है, लेकिन इसने अभी और कम कर दिया है और इससे और भी कम, और ऊपर से घुमा के मारेगा अब ये और ख़त्म। भाई फ्रॉस्ट मॉ की चीखें निकाल दी हैं इसने, फ्रॉस्ट मॉ तकरीबन इसी के लेवल का था। तो भाई साहब यहाँ अभी सो रहे हैं, इसके लेवल का एक और बंदा मैं स्पॉन करवाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बंदा भी जी सकता है कि नहीं। मैंने यहाँ सन चीफ को स्पॉन करवा दिया जो बहुत ही ख़तरनाक है, और ये सन चीफ को सिलेक्ट करते हैं और सन चीफ बहुत ही ख़तरनाक रेज मारता है जो बहुत डैमेज देती है। और ये देखो स्टार्ट कर दिया सन चीफ ने, वो भाई सन चीफ ने अपनी रेज मारना स्टार्ट भी कर दिया लेकिन इससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, वो भाई साहब जाग भी नहीं रहे, और ये कीड़े पता नहीं स्पॉन करवाना शुरू कर दिए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये।
ओह अब जाग गया है। और भाई जागते ही उसकी तरफ जा रहा है संचीव की तरफ, और ये छोटे छोटे जो पता नहीं क्या जंगली इसने स्पॉन करवा दिए हैं वो अटैक भी नहीं दे पा रहे इसे बिल्कुल। और पीछे आप ज़मीन देख सकते हो, सैंड देख सकते हो पीछे किस तरह के उसके ऊपर निशान पड़ रहे हैं, जैसे वो सूरज के बिल्कुल जो रे हैं वो इसके ऊपर पड़ रही हैं। और लेकिन इसे कुछ भी नहीं हो रहा, इसे अटैक डैमेज इसका कुछ भी नहीं है, ऐसा फील करवा रहा है संचीव को। और इसे संचीव के पास जाके अटैक इसने किया, ओ संचीव ने बिल्कुल ऐसा अटैक किया जैसे नॉक बैक नहीं मिलती भाई, नॉक बैक की तरह इसने अटैक किया। और इस तरह तो संचीव बहुत ज़्यादा देर तक टिका रहेगा इसके सामने, क्योंकि ये नॉक बैक की इफेक्ट ये तो बिल्कुल पास जाके अपने हथियार के साथ मारता है तो डैमेज देता है। और देखो पास नहीं आने दे रहा इसे, और वो नॉक बैक की तरह। लेकिन यहाँ संचीव की पावर देख सकते हो आप, ऊपर एचपी हल्की हल्की करके जा रही है भाई, ये तो फाइट बहुत देर तक चलेगी। लेकिन देखते हैं क्या ये अपने हथियार के साथ कोई एक आध अटैक भी कर पाता है इसके साथ। भाई ये स्लो बहुत ज़्यादा लगता है, इसका वजन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत स्लो है। और ये इसके पास आके जो ये ज़मीन फाड़ने वाला अटैक करता है ना भाई, इससे डैमेज दे रहा है ये, अभी तक हथियार से डैमेज नहीं दे पाया। और लिटरली उसके साथ भी डैमेज दे रहा, और संचीव ऊपर से रेज भी बिल्कुल फेंक रहा है, और उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऊपर एचपी देख सकते हो उसकी, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो भाई इसी तरह तो ये बहुत लंबी फाइट चल जाएगी, ये तो 20-25-30 मिनट की फाइट होगी। और ये देखो नॉक बैक के फिर इफेक्ट दे दिया, और साथ में ये पता नहीं जंगली स्पॉन करता जा रहा है। तो यहाँ अगर एचपी के हिसाब से विनर है ना, तो विनर यहाँ फेरियस किया भाई, इसे मैंने मार दिया क्योंकि ये फाइट बहुत लंबी चलेगी। और संचीव की एचपी के हिसाब से संचीव हार चुका है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया भाई, और इसे भी मारना पड़ेगा। ओ भाई ये किस तरह के गुस्से के साथ मर रहा है, और इसकी एनिमेशन देख सकते हो किस तरह पहले घुटनों के पल गिरा है उसके बाद मरा है। भाई नेक्स्ट लेवल है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला मोब। और ज़मीन देख सकते हो बिल्कुल संचीव ने तबाह करके रख दी है। संचीव ये नहीं है कि बहुत कमज़ोर है, बहुत ताकतवर है वो मोब। लेकिन आज के लिए वीडियो सिर्फ इतनी थी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, सब्सक्राइब कर देना।